और एक शायरी और सुनिएगा, ये अपने हालातों पर है कि मगर ठाडे तभी पिट के कर राम राम और माड़ेगा हमने बेख हम लिपटे देखे के ठाडे तो पिट के भी कर राम राम अरे माड़ेगा हमने बेख हम लिपटे देखे हैं और साहूकार की गाल खा के लोग हमने उनके चीचड़ा इतरिया चिपटे देखे हैं। और एक ऐसा होता है कि जमीन जायदाद का झगड़ा लगभग सब में होता है और दो सगे भैया में हो जा इस तो बड़ा दुर्भाग्य सब जगह है, पर उसमें एक अपनी क्या था एक गाली गलोच होता है और खुद की माँ बाण के लिए, तो इसमें एक ख्याल रखा है बस वो उसमें वर्ड है कि वहाँ माँ बाण भी याद करी जा रही थी, यानी वे आपस में एक दूसरे ना गाल दे रहे थे, तो उस पर एक थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि उम्र घनी तक होना पर मैंने बड़े बड़े नज़ारे देखे हैं, क्या उम्र घनी तक होना मैंने बड़े बड़े नज़ारे देखे हैं, गरीबी में मैंने बसते घर अरे अमीरी में मैंने होते पहाड़ तवाड़े देखे हैं, अरे दो गज की जगह पर रोला था अरुण माँ बाण भी याद करी जा रही थी, के दो गज की जगह पर रोला था अरुण माँ बाण भी याद करी जा रही थी, अरे मैंने दो सगे भाई होते बात बात मोगाड़े देखे हैं। और एक रात में नायक भाई से बात हुई थी, उसके बाद एक ख्याल लिखा था, फौजी भाई आ गए होंगे अंदर, ताज़ा ताज़ा फौजी भाई आ गए, एक ख्याल सुनिएगा भाई के, अरे सपने में छिड़ रही थी जंग, कह रहे सपने में छिड़ रही थी जंग और थरा यार भी एक कैसे 47 की रेल सी बना रहा था, के सपने में छिड़ रही थी जंग थरा यार भी एक कैसे 47 की रेल सी बना रहा था, अरे कर चले हम फिदा जानो तन साथियो रेडियो पे यो गाना ला रहा था, और मेरी चीख सुन गए बाबू ने ठाया ला बेटा यो सपना तेरा हकीकत हो लिया, मेरा याद को न रही सान डाके तेरा आर्मी ज्वाइन का लेटर देकर जा रहा था।